Hi cookaholics, welcome to my kitchen. और आज जो मैं डिश आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो एक लेबनीज स्टार्टर है और उसका नाम है फलाफल. It's really amazing. मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, अब बनाते हैं फलाफल. और उसको बनाने के लिए अगेन वी नीड अ ब्लेंडर. इसके अंदर जाएगा ये चिकपीज यानी कि चने जिसको मैंने सोक करके रखा है. साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी गार्लिक बिकॉज लेबनीज खाने में गार्लिक का काफी इस्तेमाल होता है एंड दिस एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर टू दिस डिश दैट इज फलाफल. चॉप्ड चिलीज, कोरिएंडर, तो फ्रेश कोरिएंडर को तोड़कर. और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी ताकि थोड़ा सा ब्लेंड होने में आसानी हो जाए. एंड बिफोर आई गो फॉर अ स्पिन मुझे अपनी कढ़ाई को गर्म करना है और इसके अंदर फलाफल को फ्राई करने के लिए जो ऑयल है उसे डाल देते हैं. ये जब तक गर्म हो रहा है आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉर अ स्पिन. इसके अंदर हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे बिकॉज जो इसकी बाइंडिंग है हम उसकी बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं डालते इसमें. इट इज जस्ट मेड आउट ऑफ चिकपीस तो इसमें जो रह गए हैं पीसेस ये घुमाने से वो भी पिस जाएंगे. गो फॉर अनदर स्पिन. इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे. फलाफल बहुत तरीके का बनता है. सम पीपल लाइक इट कॉस यानी कि थोड़ा सा जो खरदरा होता है और काफ़ी लोग एकदम स्मूथ टेस्ट बनाते हैं इसका और उसके बाद फ्राई करते हैं. मुझे अच्छा लगता है थोड़े थोड़े चंक्स मुंह में आए. दे टेस्ट वेरी वेरी गुड. एंड ये हमारा बेसिक जो मिक्सचर है इसका बैटर है फलाफल का वो तैयार हो गया. आई एम गोइंग टू टेस्ट इट. रियली इंपॉर्टेंट, सी इट लैक्स सॉल्ट. ये बहुत अच्छा एक स्टार्टर है. इसको अपने हाथ में लेकर यू कैन गिव इट एनी शेप और इसको हम रोल कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं सेसमी सीड्स यानी कि जो तिल है उससे स्लाइटली कवर करके विल डीप फ्राई. और ऐसे ही आप बाकी मिक्सचर के साथ भी कर सकते हैं. अलग अलग शेप हो दैट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज थोड़ा रस्टिक है अच्छा लगता है. आई पुट द लास्ट वन इन. इसे हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते. इस कलर का हमें इसे फ्राई करना है. सर्विंग प्लेट लीजिए. और ये लीजिए हमारे फलाफल तैयार हो गए. आप चाहें तो इसको पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हैं और चाहे तो मेरी तरह ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं.